भगवत भक्ति को शुद्ध तभी कहा जाता है जब हम प्राकृत बाधाओं से अब प्रभावित रहकर निष्काम भाव से भगवत सेवा में संलग्न रहे। शुद्ध भक्त सालोक्य भगवान के समान लोक सृष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य, सारूप्य भगवान के समान रूप, सामीप्य भगवान के समीप निवास अथवा सायुज्य भगवान में लीन होने की इच्छा नहीं रखता। भगवान के देने पर भी वह उन्हें त्याग देता है। भक्त वास्तव में भगवान के प्रभुमयी सेवा कार्य में निरंतर इतना संलग्न रहता है कि इस कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य लाभ के विषय में सोचने का उसे अवकाश ही नहीं होता। जिस प्रकार एक साधारण सांसारिक व्यापारी कार्य में व्यस्तता के समय अन्य कुछ नहीं सोचता, उसी भांति भगवत सेवा परायण भक्त उस सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच पाता। भगवत सेवा में ऐसी तन्मयता को प्राप्त भक्त को भक्ति के परम शिखर पर आरूढ़ समझना चाहिए। ऐसी दिव्य भक्ति प्रेममयी भगवत सेवा के द्वारा ही माया के प्रभाव से मुक्त होकर भगवत प्रेम के परम विशुद्ध रस का आस्वादन संभव है। जब तक भक्ति मुक्ति की वासना रूपी मायावी पिशाचियां हृदय में बैठी हैं, तब तक कोई भी भक्ति जनती परम दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा का रसवादन नहीं कर सकता। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो भुक्ति मुक्ति की पिशाचिनी, कितने अच्छे शब्द हैं। भुक्ति और मुक्ति पिशाचिनी की तरह से हैं, जो हमारे हृदय में अगर बैठे हुए हैं तो हमें कोई टेस्ट नहीं आ सकता। किसका? हायर टेस्ट, भगवत सेवा का रसास्वादन हम नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उन पॉइंट्स को समझें, उन बातों को समझें जो कि यहाँ पर अभी श्रील प्रभुपाद ने हमें लिख कर दी है। तो क्या है भक्ति लता का संवर्धन? भक्ति लता कैसे आगे बढ़ सकती है? भक्ति लता को और अधिक वृद्धि के स्वरूप में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भक्ति लता के संवर्धन में बरती जाने वाली सावधानियां, व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक। आप देखते हैं कि घर में आप किचन गार्डन बनाते हैं, किचन गार्डन बनाते हैं तो आप घर के पीछे की जगह है या घर के सामने की जगह है उस जगह में कुछ व्यवस्था करते हैं ना, और उस स्थान पर जब आप कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ फूलों के पौधे लगाते हैं, कुछ सब्जियां उगाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए तैयारी करते हैं। बाजार से बीज लेकर आते हैं, खाद लेकर आते हैं, और कुछ बाड़ बनाने के लिए सामान लेकर आते हैं, जाली वाली, फिर उसका संरक्षण करते हैं जिससे कि गली के कुत्ते या कुछ और जानवर इधर उधर के आकर उसको खराब ना करें। तो भौतिक जगत में अगर आप एक किचन गार्डन की सब्जियों को उगाने के लिए या कुछ थोड़े से हरे भरे फूल पैदा करने के लिए जब इतनी सारी व्यवस्था कर सकते हैं, तो ये जो भक्ति लता बीज है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, उसको जो भक्ति लता बीज कौन देता है? गुरु और भगवान श्री कृष्ण देते हैं। उसके संवर्धन के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसके विकास के लिए हमें क्यों नहीं सावधानियां बरतनी चाहिए? राइट? तो सतर्कता और संरक्षण सबसे पहले जरूरी है। जो यहाँ पर बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, सतर्कता और संरक्षण किस तरह से हम कर सकते हैं, कि सतर्कता और संरक्षण के लिए हमें क्या आवश्यक है। कल के क्लास में ही जो प्रभुपाद ने इस गृह शत्रु कृष्ण प्रभु जी ने जो डिस्कस किया था, और अभी आज के रिकैप में भी हमने देखा कि सतर्कता और संरक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है भक्तों का संग और अभक्तों का त्याग। क्योंकि अगर हम अभक्तों का त्याग नहीं करेंगे तो हम भक्ति के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे, हम अभक्ति के प्रति सतर्क रह सकते हैं। और अभक्ति के प्रति सतर्क रहना कि एक वैष्णव का उद्देश्य नहीं है। वैष्णव का उद्देश्य क्या है? कि वो भक्ति के प्रति सतर्क रहे। एवरी टाइम ही शुड थिंक, हमेशा उसके दिमाग में ये विचार चलना चाहिए कि मैं कैसे और अधिक से अधिक भक्ति कर सकूं, मैं कैसे और अधिक से अधिक भक्ति के
इस पौधे को, भक्ति लता बीज को संरक्षित कर सकूं, प्रोटेक्ट कर सकूं, जिससे कि कोई इस पर हमला ना कर दे। हम सभी लोगों ने अपने पर्सनल लाइफ में देखा होगा कि कोई 6 महीने भक्ति करने लगता है या मंदिर आने लगता है सुबह शाम, तो वो अपने आप को इतना बड़ा भक्त बनाता है कि जो ऑलरेडी स्थापित भक्त हैं उन पर वो आके आक्रमण कर देता है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो 20 साल से सेवा कर रहे हो। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि वो अति उत्साह में आपकी भक्ति लता को नष्ट कर सकते हैं। तो लापरवाही का आचरण, लापरवाही का आचरण क्या है? लापरवाही का आचरण करने का अर्थ है कि हम भक्ति को सस्ते में ले लेते हैं। हम भक्ति को ये मानकर चलते हैं, अरे भक्ति कोई बात नहीं हो जाएगी, अरे कोई बात नहीं, अभी दो दिन हमने माला नहीं की ना, कोई बात नहीं, मैं सब इकट्ठी कर लूंगा, एक साथ 48 माला कर लूंगा, एक साथ 64 माला कर लूंगा। अरे भाई 16 आपसे नहीं हो पा रही, 48 और 64 कहां से कर लोगे आप एक दिन में? ये है लापरवाही का आचरण। यदि हम लापरवाही का आचरण करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भक्ति के कार्यों में अपने आप को शिथिल महसूस करेंगे, कमजोर महसूस करेंगे। हमें लगेगा नहीं उस समय, लेकिन बाद में एहसास होगा। आप इस क्लास में 15 दिन बताओ और 15 दिन के बाद अपना मूल्यांकन करो कि क्या हमने खोया क्या पाया। पता चल जाएगा कि भक्ति के आचरण को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या आवश्यक है। तो ये लापरवाही है, किसी न किसी कारण से हम नहीं आ पा रहे हैं। सोचते हैं चलो रोज तो क्लास होता है प्रभु जी का, आज नहीं तो कल अटेंड कर लेंगे, कल नहीं तो परसों अटेंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग खोल कर चाहे आज तक कभी नहीं देखी हो, लेकिन आश्वासन रहता है रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ये लापरवाही है। भक्ति लता की जो ग्रोथ है उसमें असंगत आचरण को प्रोत्साहन ना देना, मतलब ऐसे कार्य जो कि भक्ति लता के प्रतिकूल है, जो भक्ति लता को फलने फूलने नहीं देंगे, जो भक्ति लता के विनाश के कारण है, ऐसा आचरण, 4 नियमों का पालन ना करना, प्रजल्पा करना, ऐसे लोगों का संग करना है जो कि आपको भक्ति के मार्ग से भटकाएं और आपको लगे हाँ हाँ क्या कितना अच्छा है, इसका संग हमें अभी तक क्यों नहीं मिला, ये व्यक्ति तो हमको स्वर्ग की सैर कराने वाला है। अरे यहाँ चैतन्य महाप्रभु आपको वैकुंठ ले जा रहे हैं और आप स्वर्ग की सैर के चक्कर में पड़े हुए, तो ये असंगत आचरण है। महाप्रभु क्या ये जो शिक्षामृत हम पढ़ रहे हैं किस लिए? इसीलिए कि वैकुंठ हाँ हमें और सुसंगत लगे, अप्रोप्रिएट लगे कि हाँ यही स्थान है मेरे लिए। और फिर कई बार बहुत सारे भक्त, जैसे मैंने कहा ना, 20 साल से भक्ति में है या जो 6 महीने पहले आया है वो आपको भटका देता है, तो क्यों? क्योंकि अधिक नाम और प्रचार के लोभ में भक्ति क्षीण हो जाती है। हम बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने लगते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करने चाहिए। जैसा शास्त्रों में उल्लिखित है, जैसा गुरु ने निर्देश दिया है, जैसा शील प्रभुपाद ने निर्देश दिया है, उसके अनुसार ही हमें भक्ति के आचरण को अपनाना चाहिए। नाम हो या ना हो, प्रचार हो या ना हो, कोई बात नहीं, पहले आप अपने आप को सुदृढ़ करना चाहिए। अगर आप अपने आप सुदृढ़ नहीं है, स्वयं में वो सुदृढ़ता नहीं है, तो आपकी भक्ति लता बीज में कमजोरी आती जाएगी, धीरे धीरे पत्ते पीले पड़ते जाएंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा। एक दिन आप निगाह उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, अरे मैंने तो कितने दिनों से मंगलाचरण ठीक से नहीं किया, मैंने कितने दिनों से अपना जपा ठीक से नहीं किया, मैंने कितने दिनों से वैष्णव सेवा नहीं की, मैंने कितने दिनों से विग्रह सेवा नहीं की। क्यों? क्योंकि अधिक नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए हम अपनी भक्ति के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको भूल जाते हैं। जिस तरह एक माली आपके जो किचन गार्डन है या जो भी उसे कार्यक्षेत्र मिला हुआ है उसमें खरपतवार को निकालता है, जिसकी बात अभी पिछले संदर्भ में हमने की है, तो वो खरपतवार जो कि ऐसी अवांछित चीजें हैं उनको निकाल कर बाहर फेंकता है, जिससे कि जो मुख्य फसल है उस पर प्रभाव ना आए। ये कार्य किसको करना है?
भक्त को स्वयं करना है, उसे पता रखना है कि कहाँ हम भटक रहे हैं और कहाँ दूसरी चीजें हमारे अंदर पनप रही हैं। अगर वो उन चीजों का ध्यान रखेगा तो निश्चित तौर पर वो माली की तरह उनको काटता रहेगा, निकालता रहेगा, धीरे धीरे सफाई करता रहेगा। और जब आप इस तरह सफाई करेंगे और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे तो गोलोक वृंदावन के सिवाय और कोई स्थान आपके लिए उपयुक्त नजर नहीं आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि चलो ठीक है गोलोक वृंदावन तो जाना ही है, बाद में चले जाएंगे, 65 वर्ष की आयु पे शुरू कर देंगे जाने के लिए, 5 साल में पहुंच ही जाएंगे। हाँ, लेकिन जो 1 से लेकर 65 वर्ष की आयु आपने व्यर्थ कर दी, उसमें आपने जो पैदा किया, आपने जो अर्जित किया, वो आपको जाने नहीं देगा अगले 5 साल में भी। जो आप सोच रहे हैं कि 65 साल पे मैं कर लूंगा, ये कोई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग नहीं है कि आपने अगर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग फिक्स कर दी और एक टाइमर डाल दिया उसमें तो उस टाइमर पे वो चलने लगेगा, नहीं चलता है। तमाम सारे भक्त यहाँ इस ग्रुप में भी बैठे हुए भक्त इस बात का अनुभव करते होंगे, नहीं चलता। इसलिए जो वेदों में बताए गए कर्मकांड या आर्थिक उन्नति के जो और तरीके हैं, उन पर अनावश्यक बल ना दिया जाए। अगर आपने अनावश्यक बल दिया तो भक्ति के मार्ग से आप विपथ हो जाएंगे, और ये जो विपथ होना है वो आपको ऐसे कर्मकांड की ओर लेकर जाएगा या ऐसे भौतिक जगत की एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व करके छोड़ देगा जहां से आपको भक्ति का मार्ग दिखाई ही नहीं देगा। हेडलाइट्स आर ऑफ, कोई प्रकाश है ही नहीं जो आपको भक्ति का मार्ग दिखा पाए। इसीलिए यहां पर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त है ना वो 5 प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करता है या इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं करता है, उनको निकृष्ट समझकर त्याग देता है, उसको कोई और लाभ की आशा ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। क्या करता है वो? वो करता है कि जो 5 प्रकार की इंद्रिय के अलावा वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाने का प्रयास करता है कि मैं वापस नहीं आना चाहता प्रभु इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक में मुझे वापस नहीं आना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे भगवत धाम जाना है। और इसके लिए क्या आवश्यक है? सिर्फ सेवा एक ऐसा सुदृढ़ माध्यम है कि यदि वो भगवान की सेवा करेगा तो निश्चित तौर पर वो भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेगा। तो इसको इस तरह से यदि हम समझेंगे तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही आनंददायक हो सकता है। तो ये दिव्य आनंद कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं? वेदों में जो बताए गए कर्मकांड हैं, जैसे कि यज्ञ, त्याग, सत्कर्म और योगाभ्यास, इनमें आनंद ना ढूंढे, क्योंकि इन सब में क्या है, क्षणिक आनंद है। हमने किसी के कहने पर, कोई पुरोहित आए, उन्होंने कह दिया ये यज्ञ करा लो आपका शेयर मार्केट चलने लगेगा, ये चीज छोड़ दो तो आपका ये हो जाएगा, 4 जगह प्याऊ बनवा दो तो आपको फलाना सुख मिल जाएगा। इसमें अगर आप आनंद ढूंढ रहे हैं तो भक्ति को भूल जाइए, भक्ति कभी नहीं मिलने वाली, नहीं क्यों, भक्ति है ही नहीं। हाँ, वो ऐसा कार्य है जिससे कि आपको थोड़ा सा सुयश मिल सकता है, आप ऐसी सुकृति जनरेट कर सकते हैं जो आपको अगले जीवन में काम आए, अगले जीवन में थोड़ा सा आपको आनंद प्रदान करे, बस इसके अलावा कोई चीज नहीं। लेकिन भगवत सेवा, भगवान की सेवा एक ऐसी चीज है जो आपको इन सब चीजों से अनासक्त करके उस दिव्य आनंद की अनुभूति करा सकती है जो कि अन्यथा उपलब्ध नहीं होती। तो दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि भगवत सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, भगवान के प्रतिनिधि की सेवा करनी है, गुरु और वैष्णवों की सेवा करनी है। और इस भगवत प्रेम को जगाने के लिए क्या उदाहरण दिया है यहां पर श्रील प्रभुपाद इस राइटिंग में, अपने इस खंड में क्या क्या बता रहे हैं, जैसे सर्प के काटे हुए को,
होश में लाने के लिए क्या क्षार पिलाया जाता है। तो उसी तरह से ये सुप्त भगवत प्रेम, भगवत प्रेम सबके अंदर है। भगवान ने कहा है ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो सभी भगवान के अंश हैं, सब में वो भगवान के जैसा सच्चिदानंद का स्वरूप थोड़ा थोड़ा है, आंशिक तौर पर है, लेकिन ये जो प्रेम से वो जागृत करना है, इस प्रेम को जब हम जागृत करेंगे तो वो भगवत प्रेम हमारे अंदर आएगा, अन्यथा तो वो नहीं आ सकता। तो सुप्त भगवत प्रेम को जागृत करने का उपक्रम करना है, अभ्यास करना है। अगर वो अभ्यास हम कर पाए तो निश्चित तौर पर क्या होगा, हम उस स्थान को, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो आनंद प्राप्त करना एक भक्त का, एक वैष्णव का उद्देश्य होना चाहिए। और वो आनंद फिर भौतिक जगत में मिलता नहीं है, आध्यात्मिक लोक में मिलता है। और आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को तैयार करना भी आनंद, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का एक मार्ग है। तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए कि हम किस तरह से इस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। प्रभुपाद यहां पर भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। क्या लक्षण बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के माध्यम से कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुआ जा सकता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में परमानेंट सीट अपनी रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और उनसे शुद्ध भक्ति की भीख मांगनी चाहिए। और कुछ ना मांगे, हमें क्या मांगना है, शुद्ध भक्ति की भीख मांगनी है। क्योंकि शुद्ध भक्ति की भीख यदि हम मांगेंगे शुद्ध भक्तों से, तभी हमारा अपलिफ्टमेंट होगा, तभी हम उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, तभी हम उच्च टेस्ट को ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेगा। और जो बाकी की भौतिक इच्छाएं उनको हम समाप्त कर दें, धीरे धीरे आध्यात्मिक इच्छाएं हम बढ़ाएं और भौतिक इच्छाओं को समाप्त करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होने वाला है, हमें वो शुद्ध भक्ति का आचरण प्राप्त होगा। देवी देवताओं की पूजा के लिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री देवी देवी देवताओं की पूजा से हमें अपने आप को विलग रखना है। धीरे धीरे हमारा आकर्षण समाप्त होता जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम अपने आकर्षण को बढ़ाते जाएंगे। सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की आराधना में हमें स्वयं को लगाना है, बाकी सब चीजों से निवृत्ति पानी है। जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको भक्ति, लेकिन भक्ति है नहीं, भक्ति के नाम पे एक बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो सकाम कर्म को नकारना, फ्रूटिव एक्शंस नहीं करना चाहिए और निष्काम कर्म को जीवन का आधार बना। निष्काम कर्म क्या है, जो भक्तिपूर्ण कार्य है, अपनी इच्छा के लिए नहीं है, भगवान की इच्छा के लिए है, अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों को पसंद करने के लिए लगाना है। ईशावास्यम इदम सर्वम का सिद्धांत स्वीकार करना है, जो हमारे लिए उपयोगी है बस उतना ही स्वीकार करना है, उसके अलावा और कुछ स्वीकार नहीं करना, बाकी सब चीजें हमारी है नहीं। तो इसलिए हमें क्या समझना चाहिए कि ये जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये शारीरिक आवश्यकताएं यदि हम कम नहीं करेंगे, अपनी फिजिकल डिमांड्स को कम नहीं करेंगे, तो हम भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं इनको समेटें। जैसे कछुआ अपने क्या करता है, अंगों को समेट लेता है, आवश्यकता होने पर उनको बाहर निकालता है, अदरवाइज उनको समेटे रहता है और अनावश्यक तौर पर उनका उपयोग नहीं करता, जब आवश्यक होता है तभी उपयोग करता है। यहां पर तीन श्लोकों का जिक्र किया गया है, वो भगवान श्री कपिल की शिक्षा से श्रीमद् भागवतम के 3.29, 11-13। हाँ, जो तीन श्लोकों का जिक्र यहाँ किया है उसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो तीन श्लोक हैं ये, इनमें से एक एक श्लोक आप 3 दिन याद करेंगे। ये जो श्लोक हैं भगवान कपिल की शिक्षाओं में, हम लोगों ने अभी पुस्तक पढ़ी है, इन श्लोकों को पढ़ा होगा, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो श्लोक हैं हमें 3 दिन ये होमवर्क के तौर पर है। 3.29, 11, 12 और 13। तो इस तरह से यदि हम ये देखेंगे कि हमें भक्ति के मार्ग पर क्या सहायक है और क्या सहायक नहीं है। भगवान कपिल ने जब ये भक्ति की व्याख्या की है
देवहूति माँ ने जिज्ञासा की थी, उनसे प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए, आपने सांख्य दर्शन के हिसाब से सब कुछ मेरे लिए बताया, अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अब मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, भक्ति के मार्ग पर कैसे हमें चलना चाहिए, भक्ति का मार्ग हमें कहाँ लेकर जाता है, हमें उसके विषय में भी बताइए। तब भगवान ने भक्ति योग का वर्णन आरंभ किया। तो भक्ति योग क्या है? ये सब जितनी भी फिलॉसफीज है उनका मूल यही है, भक्ति। लेकिन हम भटके रहते हैं, हम उस मूल पर पहुंचते नहीं, हम जड़ पर पहुंचते नहीं। और अगर कोई ऐसी फिलॉसफी है जिसका कि बेसिस, जिसका बेसिक भगवत भक्ति नहीं है, तो वो प्रभुपाद कहते हैं कि वो कपोल कल्पना है, वो अपने मन की इच्छा है, मन मनगढ़ंत एक काल्पनिक विषय है, क्योंकि भक्ति होनी ही चाहिए हर एक फिलॉसफी में। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग भावावेश है, दार्शनिक आधार होना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें अचिंत्य भेदा भेद दिया, और दार्शनिक आधार देकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सेंटिमेंटल चीज नहीं है, सेंटिमेंट्स के तहत नहीं करनी है आपको, आपको एक लॉजिक के तहत करनी है। तो मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस विषय में कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो स्वयं को बौद्धिक रूप से बहुत ही एलिवेटेड मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं, हम बौद्धिक वर्ग के बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी, और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं। और दूसरे लोग वे हैं जिनके मुंह से निकले हुए शब्दों का या स्टेटमेंट्स का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता, कोई फंडामेंटल उनके स्ट्रांग नहीं होते, कोई फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते हैं। तो इनमें से किसी का भी जीवन उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक अपने दर्शन में उलझा हुआ है और एक बिना किसी दर्शन के उलझा हुआ है, सिर्फ प्रदर्शन में उलझा हुआ है, दर्शन नहीं है, प्रदर्शन है। और उनको सालों लग जाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बट दे गेट ओनली जीरो, ए बिग जीरो। इसलिए जो वैदिक साहित्य है वो हमें क्या बताता है कि यदि हम परमेश्वर, जीव और इन दोनों का जो शाश्वत स्वरूप है, इनके संबंध को समझें, इनके संबंध को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत प्रेम को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज हम यहां रुकेंगे, और यदि आपका कोई प्रश्न है, कुछ शंका है, तो उसका समाधान करेंगे।